नमस्कार, जश्न लाइव में स्वागत है, मैं आपके साथ राहुल। कोरोना का खतरा अब संसद पर भी मंडराने लगा है। सांसद कह रहे हैं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिए। जब से बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर विदेश दौरे से भारत लौटी हैं, उन्होंने लखनऊ में एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए थे, जिसके बाद कई राजनेताओं में ये डर फैल गया कि वो भी कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं। बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर के खिलाफ लापरवाही के आरोप में लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने बताया कि कनिका के खिलाफ कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी फैलाने वाली हरकत करने के मुख्य आरोप में धारा 269, 270 और 188 के तहत सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर दर्ज किया गया है। एक तरफ राजनेताओं में डर फैला हुआ है तो दूसरी तरफ कनिका कपूर को बॉलीवुड की तरफ से भी काफी ज्यादा फटकार लगाई जा रही है। सबका कहना है कि कनिका कपूर ने एक तरीके से भारत लौटी और ऊपर से बताया भी नहीं कि वो विदेश से लौटी हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये कनिका कपूर की बड़ी लापरवाही है, उनकी वजह से ही काफी लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर 9 मार्च को इंग्लैंड से लौटी थी और इंग्लैंड से लौटने के बाद कनिका कपूर ने लखनऊ में अपार्टमेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें तमाम बड़े अधिकारी और नेता शामिल हुए थे। तब कनिका कपूर को नहीं पता था कि इस पार्टी में कितनों को कोरोना फैल सकता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी स्वीकारा है कि वह और उनके बेटे दुष्यंत सिंह लखनऊ में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की पार्टी में शामिल हुई थी। जब वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के बारे में जैसे ही सबको पता चला तो राजनीति के रास्तों पर चलने वालों के चेहरों की चमक चली गई। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद सत्र को स्थगित करने की मांग कर दी। सांसद डेरेक के डरने की वजह सही भी है, क्योंकि वो दो दिन पहले ही स्थायी समिति की एक बैठक में दुष्यंत सिंह के बगल में बैठे थे। जब दुष्यंत सिंह सदन में गए तो उन्होंने अन्य सांसदों से भी मुलाकात की होगी, जिसकी वजह से सभी में कोरोना का डर फैल गया है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा कि कुछ दिन पहले दुष्यंत और उनके ससुराल वालों के साथ मैं लखनऊ के में एक डिनर पर गई थी। कनिका कपूर, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं, वे भी उस डिनर में बतौर अतिथि शामिल हुई थी। सावधानी के तौर पर मैं और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में हैं और हम सभी आवश्यक निर्देशों का पालन कर रहे हैं।